लगातार बढ़ रही डेंगू के मरीजों की संख्या के बाद स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। गांव में मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद आगरा के जिला चिकित्सा अधिकारी ने एतमादपुर क्षेत्र का दौरा किया, जहां सीएमओ ने ग्रामीणों से हालात की जानकारी ली और स्वास्थ्य टीमों को लगातार सैंपलिंग और कैंप लगाने के निर्देश दिए। के बाद अब आगरा में भी डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। एतमादपुर तहसील क्षेत्र के गांव सराय जयराम, नगला अड़ू, बुर्ज अतवल सहित कई गांव में ग्रामीण बुखार से पीड़ित हैं। सरकारी महकमे के अलावा ग्रामीण निजी अस्पतालों में इलाज कराने को मजबूर हैं। एतमादपुर क्षेत्र में इस रेशमी बुखार से एक वृद्ध और एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद ग्रामीणों में अब भय का माहौल है। जिसकी जानकारी के बाद आज आगरा सीएमओ अरुण श्रीवास्तव गांव में पहुंचे, जहां मृतक बच्चे के परिजनों से मुलाकात की। मृतक की दो बहनें बीमार हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों ने साफ सफाई रखने की अपील की। सीएमओ ने स्थानीय स्वास्थ्य टीम को कैंप लगाकर अधिक से अधिक संख्या में सैंपलिंग और दवा वितरण करने के निर्देश दिए। तो वहीं सीएमओ ने बताया कि आसपास के जिलों से भी मरीज आगरा में इलाज कराने आ रहे हैं, इसके लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। पूर्व में हमें पता भी था कि यहाँ पे हम एतमादपुर के पास बरहन जगह है, बरहन के पास सराय मीठा, सराय जयराम और बुर्ज अदवर, ये दो गांव हैं जहाँ पे वायरल बुखार के रोगियों की संख्या दिखते थी। वहाँ पे पिछले दो तीन दिन से कैंप भी लगाया जा रहा है सराय जयराम में। पेशेंट की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ी है, लेकिन हम लोग लगातार वहाँ पे डेंगू मलेरिया के टेस्ट भी करा रहे हैं। अभी तक कोई भी पॉजिटिव वहाँ पे उन कैंपों में नहीं प्राप्त हुआ है। आज उस गांव के निरीक्षण के दौरान देखा कि नालियों में का जो निकास है वो गांव के बाहर अवरुद्ध हो गया है, छवेर निर्माण के कारण, जिसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई, अपनी वाहनों से कही गई है, जिससे कि उसका वो निकास अगर खुलवाएँ तो जमाव पानी का जमाव हटे और आसपास के जो और जो बीमार लोग हैं उसी पानी के जमाव के आसपास के। तो निश्चित तौर पे जिस गांव में जिन गांव में इस तरह की समस्याएं हैं वहां पे वायरल फीवर या अन्य फीवरों की या मच्छरजनित बीमारियों की हमेशा दिक्कत रहती है। सर, जिले में कितने डेंगू के एक्टिव मरीज इस समय? हमारे जो डेंगू के एक्टिव 44 मरीज कल शाम तक हमें प्राप्त हुए, फिर हमारी पूरी कार्रवाई हो चुकी है। सभी जगह हम लोगों ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर दी है, फॉगिंग हो गई वहाँ। सर, कुछ अन्य जिलों से भी कुछ पेशेंट आगरा जिले में आ रहे हैं उनके लिए? देखिए, हमारे जिन भी चिकित्सालयों में रोगी हो रहे हैं या हमारे जो स्क्रीन टेस्ट में जो रिएक्टिव दिखा रहे हैं उन सब पे हम फोन कर रहे हैं, लगातार उनको मॉनिटर कर रहे हैं। यदि वो चिकित्सालय में हैं तो हम लोग चिकित्सालय के चारों तरफ पूरा फॉगिंग करा रहे हैं और किसी और जनपद के हैं उन जनपद के इन्फॉर्म कर देते हैं, जिससे उनके आवास के आसपास की विरोधात्मक कार्रवाई हो जाए। और अगर अपने जनपद का है तो हम लोग वहाँ पे भी लार्वीसाइडर का छिड़काव और फॉर्म करें। सर, मीडिया के माध्यम से आप किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे जिससे कि लोग एहतियात बरतें? देखिए, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ज़्यादातर केस, और हम कहेंगे कि 99% मोर देन 99% केसेज वायरल फीवर के, और इन वायरल फीवर केस में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर तेज बुखार हो तो तत्काल पट्टी रखें, शरीर को ठंडा रखें और खुली जगह में रहें, साथ में तरल पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। बच्चों में तरल पदार्थ की कमी बहुत जल्दी होती है, इसलिए उनको नुकसान होता है। इसलिए अनुरोध यही है कि अपने घर के आसपास कूलर, गमले, फ्रिज इत्यादि के आसपास देखें कहीं पानी का जमाव नहीं हो। रोज़ स्वयं इस बात को चेक करें, अपने घर के अगल बगल के लोगों से कहें कि वो भी इस तरह की ज़रूर कार्रवाई करें।